हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कैवे टेक्नोलॉजीज के अंदर और मेरा नाम है मनीष। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा शानदार प्रोजेक्टर जो मात्र 6500 के अंदर 120 इंच की स्क्रीन देने वाला, वो भी फुल HD के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हमारा मॉडल है LS112 और ये मात्र 6500 के अंदर आपको फुल HD स्क्रीन देने वाला है 120 इंच में। इतने में तो आपका 6500 के अंदर 32 इंच का TV भी नहीं आता। तो आपको पूरे घर के अंदर 120 इंच की वॉल पे आप अपना मूवी को एंजॉय करिए, IPL को एंजॉय करिए। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, आजकल कोरोना की वजह से पूरा सिनेमा हॉल बंद चल रहे हैं, स्टेडियम के अंदर ऑडियंस की एंट्री बैन है, IPL भी बिना ऑडियंस के हो रहे हैं। तो दोस्तों, और क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन हो रही है और ऑफिस का भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो इंटरटेनमेंट के पर्पस से आपको मात्र 6500 के अंदर हम बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर दे रहे हैं, जो आपका वाईफाई से भी ऑपरेट होगा, आपका मोबाइल से भी चलेगा और इनबिल्ट इसके अंदर हम यूट्यूब भी एप्लीकेशन डाल के दे रहे हैं, जो आपका बिल्कुल शानदार रहने वाला था। दोस्तों, ये प्रोजेक्टर आप मोबाइल से, लैपटॉप से, डिश टीवी से, पेन ड्राइव से, डेस्कटॉप से, फायर स्टिक से, सब तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चल के कर लेते हैं इसकी एक बार ये अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, इसके अंदर एक और बॉक्स है, देखिए कितना शानदार बॉक्स है ये, ब्लैक कलर का, बहुत ही कॉम्पैक्ट सब इसमें कोई प्रोडक्ट मुझे लग रहा है। और मात्र 6500 रुपए की रेंज में ये 120 इंची TV देने का दावा कर रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या मिल रहा है हमें। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है LED मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और यहाँ पे इनका लोगो दिया गया है सीगुड के नाम से। तो अब हम इसको एक बारी अनबॉक्स करके देख लेते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब इसमें वाइट कलर का हमें फॉर्म मिला है, इसके अंदर हमें एक कॉम्पैक्ट सा रिमोट दिखाई दे रहा है, साथ में एक ऑडियो वीडियो केबल्स दिखाई दे रही है 3C पिन वाली, और एक आपको मिलने वाला है एक पावर कोड। और अब इसकी कर ले, अब देख रहे होंगे जैसा कि ये वाइट कलर का बहुत ही सुंदर एक कॉम्पैक्ट सा इसके अंदर प्रोजेक्टर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करके सीगुड के नाम से, और ये फ्रंट में देखेंगे ये लेंस को कवर करने के लिए कवर दिया गया है। यहाँ पर हम लेंस को भी कर सकते हैं धूल मिट्टी से बचाने के लिए। और यहाँ पर देखेंगे हमारा फोकस यूनिट दिया गया है यहाँ पर फोकस एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पर देखेंगे आप कीस्टोन की सेटिंग दी गई है। अगर हम इसके ऊपर की साइड आ जाते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे मैनुअल्स दे गए हैं, आप मैनुअली भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसके हम एक बारी बैक साइड की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर दिया गया है, और यहाँ पर आपको आप अपने ट्राईपोड के थ्रू भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बारी हम इसकी साइड की ओर भी देख लेते हैं। तो साइड की ओर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे दो USB पोर्ट दिए गए हैं और यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपना होम थिएटर भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑडियो वीडियो दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाए थे 3C पेन है, पुराने सेटअप बॉक्स के अंदर ये यूज़ होता है। और यहाँ पे दो पेन ड्राइव के ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें HDMI न्यू सेटअप बॉक्स के अंदर, जैसा कि आप देखते होंगे अब न्यू सेटअप बॉक्स के अंदर HDMI पोर्ट आते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर भी HDMI पोर्ट आते हैं, और हमारे फायर स्टिक के भी HDMI पोर्ट होते हैं, तो वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए इसके बैक साइड की ओर देख लेते हैं। तो बैक साइड में यहाँ पे दिया गया है VGA पोर्ट, यहाँ पुराने हमारे डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर VGA पोर्ट यूज़ होता था, तो हम लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं VGA पोर्ट के थ्रू। और यहाँ पे देखेंगे अब लास्ट में यहाँ पे IR सेंसर दिया गया है, जो यहाँ से रिमोट आपका वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी एक बार डेमो करके देख लेते हैं। हमने जो दावा किया था 120 इंची का,
टीवी आपको मात्र 6500 में मिलने वाला है, ये इस पर खरा उतरता है कि नहीं, तो हम चल के देख लेते हैं इसका एक बारी डेमो। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे अपना पावर केबल लगा दिया है और HDMI के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो चलो मैं अब चल के इसको प्रोजेक्टर को ऑन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अब ये प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया है लाइट में। अब ऑन करने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, तो मैं आपको एक बारी यहाँ पे आप जब देखेंगे इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। तो ये मैंने देखा बताया था आपका मॉडल नंबर LS112, ये इनबिल्ट मीराकास्ट के साथ आता है। आप YouTube भी डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं और फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपको देखेंगे सोर्स पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सोर्स इसने HDMI ले लिया है। अब ये देखिए पिक्चर क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है, तो पिक्चर क्वालिटी भी हम इसकी चेक कर लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया पिक्चर क्वालिटी कितनी शानदार थी, 120 इंच की स्क्रीन पे मैंने ये प्रोजेक्ट करी थी, क्वालिटी पूरी फुल HD में आपको मिल रही थी। तो ये आपका फ़ोन के साथ भी कनेक्ट होगा, आपके वाईफाई से भी कनेक्ट होगा और आप इसमें इनबिल्ट यूट्यूब भी देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर था LS112, इसमें हमें इनबिल्ट मीराकास्ट मिल रहा था। हम डायरेक्ट अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फायर स्टिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डिश टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पेन ड्राइव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन हम अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रोजेक्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको इस प्रोजेक्टर के रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हम अपने नंबर दे रहे हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। तो जब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो में नए प्रोजेक्टर के साथ।